सब क्या कर रहे बिहार का नाम गौरव की है, ऐसी मेरी बहन मृदुला सिन्हा का तृतीय पुण्यतिथि है। वह हम लोगों को छोड़ कर के चली गई। बिहार का बहुत बड़ा और मुजफ्फरपुर का बहुत ही ह्रास हुआ है। मृदुला जी की किताबें, मृदुला जी की बोली, मृदुला की आज छठ के गीत उगाती तो लोग मुग्ध हो जाते। गांव की गलियारे मटिहानी से निकलकर और गोवा गवर्नर तक बनने की दूरी तय किया उन्होंने, और अपने भारतीय संस्कृति और अपनी भारतीय प्रकृति को उन्होंने महिलाओं के समस्या और समाधान को लिखने के माध्यम से गांव सतह से लेकर और सरकार तक पहुंचाया और सरकार से लेकर सतह तक पहुंचाया। गोवा की राज्यपाल पति ही एक महान पद पर थी, लेकिन उससे भी महान उनका व्यक्तित्व था। सबसे बड़ी बात तो यह है कि विभिन्न पदों पर रहते हुए भी उनके भीतर कोई अहंकार नहीं था, और उसका कारण था कि वो हमारी जो ग्रामीण संस्कृति है, लोकगीत है, लोक के जीवन है, उससे वो समरस हो गई थी। वो यहाँ की मुजफ्फरपुर की बेटी गांव से निकलकर और गोवा की गवर्नर बनी, ये हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है। इसलिए आज हम तीसरी पुण्यतिथि उनकी मनाकर उनको याद कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट लुक बिहार में, आपके साथ विवेक मठ। गोवा के पूर्व राज्यपाल डॉक्टर मृदुला सिन्हा के तीसरे पुण्यतिथि पर मुजफ्फरपुर में उन्हें पुष्प अर्पित कर याद किया गया। दरअसल आपको बता दें, मुजफ्फरपुर में डॉक्टर मृदुला सिन्हा विचार मंच के द्वारा तीसरे पुण्यतिथि मनाई गई है, जिसमें भाजपा के पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा एवं डॉक्टर मृदुला सिन्हा विचार मंच के अन्य सदस्य और अन्य सामाजिक कार्यकर्ता मौजूद है। इस बीच उनकी बात कही गई बातों और किए गए कामों को याद किया गया है। पूरे मामले को लेकर उन्हें याद करते हुए पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा एवं अन्य लोग क्या कुछ कह रहे हैं, आप पहले वो सुनिए। देखिए, यह मृदुला सिन्हा का जो संपूर्ण व्यक्तित्व था, वह आधी आबादी के लिए और पूरे समाज के लिए अनुकरणीय था, क्योंकि वो गांव की गलियारे मटिहानी से निकलकर और गोवा गवर्नर तक बनने की दूरी तय किया उन्होंने, और अपने भारतीय संस्कृति और अपनी भारतीय प्रकृति को उन्होंने महिलाओं के समस्या और समाधान को लिखने के माध्यम से गांव सतह से लेकर और सरकार तक पहुंचाया और सरकार से लेकर सतह तक पहुंचाया। वो हमेशा कहा करती थी कि एक चले एकाकी कहलाए, दो से बन गए साथी, और साथ साथ चलना मिलकर हम बन गए भारतवासी। तो ऐसे भारतवर्ष को एक परिवार के रूप में जोड़ना चाहती थी और जोड़ती थी अपनी लेखनी के माध्यम से। संयुक्त परिवार को इतना महत्व देती थी, कहती थी कि महिलाएं कलम से कंप्यूटर तक सामंजस्य कैसे बैठाएं, इसका गूढ़ रहस्य सीखना चाहिए महिलाओं को। तो इस प्रकार से हम लोगों के लिए आदर्श हैं, मुजफ्फरवासी के लिए गर्व का विषय है। गनीपुर मोहल्ला में रहती थी, मुजफ्फरपुर की बेटी थी, तो इसलिए हम लोग याद कर रहे हैं कि मुजफ्फरपुर के लोग भी, और ख़ासकर लड़कियां जो आज पढ़कर आगे बढ़ रही हैं और परिवार टूट रहा है, वैसे परिवारों के लिए वो आदर्श थी, और वो आदर्श को बनाए रखने के लिए यहाँ हम संदेश देना चाहते हैं समाज को, उनको जो पुण्यतिथि या जन्मतिथि के माध्यम से, कि आधी आबादी यह संदेश ले कि हम आगे तो पढ़ें, आकाश में उड़ान तो भरें, लेकिन अपने मिट्टी के और अपने घोंसले को ना भूलें। इस तरह से परिवार बना रहे, समाज सामंजस्य बना रहे परिवार का और राष्ट्र दोनों का। तो इसीलिए हम लोग उनको याद करते हैं, हम लोग की आदर्श हैं, इसलिए याद किए हैं। डॉक्टर तारा राय, पूर्व राष्ट्रीय सचिव भाजपा महिला मोर्चा। आज डॉक्टर मृदुला जी का पुण्यतिथि है, और ऐसे अवसर पर भारतीय जनता पार्टी की स्मृति के बाद मन बहुत भावुक हो जाता है। अनेकों संस्थाओं के और दर्शक, गोवा की राज्यपाल पति ही
एक महान पद पर थी, लेकिन उससे भी महान उनका व्यक्तित्व था। सबसे बड़ी बात तो यह है कि विभिन्न पदों पर रहते हुए भी उनके भीतर कोई अहंकार नहीं था, और उसका कारण था कि वो हमारी जो ग्रामीण संस्कृति है, लोकगीत है, लोक के जीवन है, उससे वो समरस हो गई थी। ग्रामीण जीवन हमारा, ग्रामीण जीवन में ही भारत की संस्कृति आत्मा निवास करती है। लोक भाषा, लोक संस्कृति की गायिका थी, और ऐसी महिला दुर्लभ है, क्योंकि आज गांव की जो संस्कृति है मिट्टी चली जा रही है, उसके आचार विचार संस्कार समाप्त हो रहे हैं। मृदुला जी उसकी उसकी चितेरा थी, और उन्होंने लोक जीवन को समाज के सामने रखा था। ऐसी महान विभूति मृदुला जी के निधन पर आज उनकी तीसरी पुण्यतिथि है, हृदय भावुक हो जाता है। मैं उन्हें हृदय से सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। आज हमारी बहन मृदुला सिन्हा, जो पूर्व गोवा के राज्यपाल रही है और भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न पदों को सुशोभित करती रही है, बिहार का नाम गौरव की है, ऐसी मेरी बहन मृदुला सिन्हा का तृतीय पुण्यतिथि है। वह हम लोगों को छोड़कर के चली गई, बिहार का बहुत बड़ा और मुजफ्फरपुर का बहुत ही ह्रास हुआ है। मृदुला जी की किताबें, मृदुला जी की बोली, मृदुला की आज छठ के गीत उगाती तो लोग मुग्ध हो जाते, छठ का गीत उगाती, समझे ना, और भाषण करती थी तो अपना लोक गीत को गा करके लोगों को लुभा लेती थी, और जब वो गाने लगती थी कुछ इस तरह का गीत तो लोग को आँख से आंसू गिरने लगता था। ऐसी मेरी बहन चली गई, आज उसके पुण्य तृतीय पुण्यतिथि पर हम लोग उसको याद किए हैं, और हम चाहे हैं कि मृदुला जी का जो व्यक्तित्व था, जो अपने इस संस्कृति और संस्कार से जुड़ी हुई थी, उसको हम लोग अपने अंदर कुछ भी लाते हैं तो यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। धन्यवाद। ये किस तरीके से उन्हें याद किया गया? वो यहाँ की मुजफ्फरपुर की बेटी गांव से निकलकर और गोवा की गवर्नर बनी, ये हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है, इसलिए आज हम तीसरी पुण्यतिथि उनकी मनाकर उनको याद कर रहे हैं। क्या पर्ची? डॉक्टर मोनालिसा, चेयरमैन राय कॉलेज ऑफ एजुकेशन। तो आपने सुना कि किस तरीके से मुख्यमंत्री सुरेश शर्मा ने उनके किए गए कामों को याद किया। उन्होंने कहा कि अगर उनके बताए गए मार्गदर्शन पर चले वही उनकी सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित होगी, और इस दौरान कई सारे लोगों ने उनके गाए हुए छठ गीत हो या अन्य बातें हो, उनकी यादें हो, याद किए हैं और उन्हें याद किया। तो इसी तरीके खबर के साथ बने रहें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।